दोस्तों आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जो हर साल 10,000 करोड़ का दोस्तों बचत कर रही है। 10,000 करोड़ बचत करने के बावजूद भी नुकसान में जा रही है। यस, 10,000 करोड़ आप बचा रहे हैं हर साल, उसके बावजूद भी आप नुकसान में जा रहे हैं, तो कौन सी कंपनी है? महानुभव कंपनी हमारी भारत की दोस्तों सरकारी कंपनी BSNL MTNL है। इतना सारा बचाने के बाद, सरकार का 70,000 करोड़ का दोस्तों रिवाइवल पैकेज मिलने के बाद भी अगर ये कंपनी नुकसान में जा रही तो क्या होगा? इसका दोस्तों साइड इफेक्ट है कि MTNL और BSNL का मर्जर फिलहाल कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों का मर्जर यहाँ पे नहीं हो रहा, BSNL दोस्तों यहाँ पे खाई में जाता हुआ नजर आ रहा है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दोस्तों नुकसान नुकसान नुकसान, तो क्या होगा BSNL का फ्यूचर, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील ट्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी भारतीय सरकारी कंपनी BSNL, जिसको मैं हमेशा से प्रमोट करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी दोस्तों फंडामेंटल चीजें, स्ट्रक्चरल दोस्तों मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं BSNL के अंदर, इसको चेंज करना ही है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि BSNL के दोस्तों एम्प्लॉइज आप सभी जानते हैं, आप अगर आज से 5 साल पहले कभी दोस्तों BSNL के ऑफिस में जाएंगे तो आराम से बैठे रहते, उनको कोई काम की टेंशन नहीं। काम होता तो ठीक है, नहीं होता तो बाद में जाए क्या टेंशन है, पैसा मिल रहा है ना हमें। प्राइवेट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। जियो एयरटेल VI के ऑफिस में जाओ, आपको पता चलेगा दोस्तों उनको पता है कि टारगेट दिया जाता है, अगर इतना सिम नहीं बेचे, इतना धंधा नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी। BSNL में ऐसा नहीं होता था, इसलिए BSNL की टोटल इनकम का 90% से ज्यादा तो सैलरी में चला जाता है। मतलब BSNL जितना कमाता था उसका 90% तो गया। फिर नई टेक्नोलॉजी में कहां से पैसा लगाएगा, नए टावर कैसे लगाएगा, कुछ भी नहीं होता। ऐसे करते करते BSNL दोस्तों हजारों करोड़ के नुकसान में डूबता गया। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि इसको बंद करने की नौबत आ गई, लेकिन सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इसको बंद होने नहीं दिया। जिस तरह से एयर इंडिया को बंद नहीं कर सके, इसको भी बंद नहीं किया, क्योंकि इससे रेपुटेशन खराब होती सरकार किसी की भी हो। इसलिए 70,000 करोड़ का दोस्तों बड़ा रिवाइवल पैकेज यहां पे दिया गया, 70,000 करोड़। उसमें ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पैसा तो इनका VRS में, इनके जो एम्प्लॉइज है ना, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दी कि ये रखो पैसा, रिटायर हो जाओ आप, ठीक है। इससे इनको दोस्तों कुछ कटौती हुई, जो पहले 90% दोस्तों इनका जा रहा था, पूरा का पूरा इनकम जो जा रही थी इनकी यहां पे इनकम के अंदर, जो इनको सैलरी देने के अंदर, फिर वो VRS दे दिया, तो उन लोगों की बोलते हैं नुकसान थोड़ा कम हुआ। 10,000 करोड़ हर साल की इनकी सेविंग हुई। यस, थोड़ी बचत करना चालू किया उन्होंने, नुकसान कम करना चालू किया, लेकिन अभी भी BSNL नुकसान ही नुकसान चल रहा है। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं, बताया कि क्या क्या कैलकुलेशन बैटरी दोस्तों यहाँ पे। MTNL BSNL won't be profitable for another 2 years। IT कमेटी दोस्तों बता रही कि 2 साल आने वाले, 2 साल तक भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली। Yes, इतना नुकसान है कि आने वाले 2 साल और ले लो, ये नुकसान पे नुकसान करते रहे। कि दोस्तों क्या है इसका बता जा रहा है कि मोनेटाइज ऑफ द लीज असेट्स कंसर्न डिले 4G नेटवर्क्स रोल आउट्स हैज बीन ग्रेटली इंपैक्ट स्टेट एंड BSNL। दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी IT हैज नॉट एट रिपोर्ट दैट। दोस्तों बात की जा रही है कि इनको इतना पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी कंपनी जो है प्रॉफिट में नहीं आने वाली। पार्लियामेंट्री कमेटी में दोस्तों यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे IT की जो फॉर्म बताया कि वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल आना था 2 ईयर्स थ्रू द सेविंग अप टू 10,000 करोड़ एनुअली। BSNL MTNL आने वाले 2 साल तक भी प्रॉफिट में नहीं जाने वाली, जबकि कंपनी जो है दोस्तों BSNL यहाँ पे 10,000 करोड़ की सेविंग कर रही है हर साल, 10,000 का बचत कर रही है, उसके बावजूद भी आने वाले 2 साल तक ये प्रॉफिट में नहीं आने वाली, 1 रुपया भी कमाएगी नहीं, नुकसान पे नुकसान होने वाला है। द एक्सपेंडिचर BSNL रिड्यूस 34,400 दोस्तों 34,034 करोड़ दोस्तों यहाँ पे हुआ करता था पहले, 1 साल का खर्चा हुआ करता था उसका 34,500, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ हुआ करता था, उसको दोस्तों कम करके 34,687 कर दिया, ऑलमोस्ट 9 मंथ का फिगर दोस्तों आ चुका है यहाँ पे एनुअलाइज हिसाब से देखा जाए तो। ऑलमोस्ट बात की जाए तो दोस्तों 10,000 करोड़ का कम कर दिया यहाँ पे। यस, पहले 35,000 करोड़ हुआ करता था उसको 34,000 करोड़ कर दिया, ये सॉरी 35,000 करोड़ हुआ करता था उसको 25,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ का यहाँ पे सेविंग कर लिया, कम कर दिया खर्चे का, लेकिन खर्चा तो है। बाकी दोस्तों बता दूं कि VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह है सब में चला गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ इनको दिए थे VRS के लिए, उस सबका सब पैसा इसमें फूंक दिया, उसके बावजूद अभी भी BSNL MTNL प्रॉफिट से बहुत दूर दूर है। 10,000 करोड़ की बचत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 साल लगेंगे इसको 1 रुपया कमाते, मतलब ये तो डूबता हुआ जहाज फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक और रिपोर्ट निकल के गवर्नमेंट डिफर्स BSNL MTNL मर्जर्स ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। दोस्तों यहाँ पे कब से इनके मर्जर की बात चल रही है, कब से, कितनी बार हिंट आ गया कि अंडर द कारपेट इनका मर्जर हो चुका, लेकिन फिलहाल दोस्तों मर्जर नहीं हुआ, इसलिए सरकार इसको ऑफिशियली नहीं बता रही है। यहां तक कि जो MTNL सिर्फ मुंबई और दिल्ली में काम करती है, वहां भी BSNL को डाल दिया है। अब दिल्ली और मुंबई में BSNL अपनी 4G सर्विस यहां पे स्टार्ट करने वाला, अपनी लैंडलाइन सर्विस और सारी ब्रॉडबैंड वगैरह सर्विस यहां पे देगा। धीरे धीरे MTNL को यहां पे बंद कर दिया जाएगा, या तो दोस्तों मर्जर जो है नहीं होगा, क्योंकि यहां पे फाइनेंशियल सिचुएशन जो चल रही है यहां पे BSNL MTNL की आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे आने वाले 2 साल तक ये प्रॉफिट नहीं करने वाला,
10,000 करोड़ बचाने के बावजूद भी अगर कंपनी अगर प्रॉफिट में ना है तो कंपनी किस काम की हो रहा है। MTNL पे तो बहुत ज्यादा कर्ज है। तो दोनों ही कंपनी का दोस्तों फिलहाल मर्जर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है सरकार MTNL को कंप्लीटली शट डाउन करके सिर्फ एक सरकारी को, कि दोनों ही सरकारी कंपनी है, एक सरकारी कंपनी बना दे। और इसका हिंट सरकार ने दे दिया था जहां पे BSNL को काम दे दिया मुंबई और दिल्ली के अंदर कि आप यहां पे काम कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले दिल्ली और मुंबई के अंदर सिर्फ और सिर्फ MTNL काम करता था, BSNL नहीं काम करता। लेकिन अब BSNL दोस्तों अपना 4G, अपनी लैंडलाइन, अपना ब्रॉडबैंड सब कुछ दिल्ली मुंबई में यहां पे देना चालू कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है ना कुछ महीनों के अंदर MTNL को शट डाउन कर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ BSNL रखा जाए। हालांकि ये कंपनी भी नुकसान तो कर ही रही दोस्तों, आने वाले 2 साल इसको लगेंगे प्रॉफिट कमाते कमाते। इसका मतलब दोस्तों BSNL फिलहाल बहुत बड़े कर्ज में और कंपनी दोस्तों कुछ भी कर ले यहां पे पैसा नहीं कमा रही। अगर इसको जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है तो उसको पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, इसका स्टेक दोस्तों कुछ देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को, इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तब जाके कंपनी हो सकता है कुछ कमाए। क्योंकि दोस्तों फिलहाल इसकी हालत बहुत बहुत खराब है, इसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अच्छी तरह, इसको प्राइवेट कंपनी इसके तर्ज पे फिर से निखारना पड़ेगा। जियो एयरटेल VI की जैसे नए नए ऑफिस बनाने पड़ेंगे, गली नुक्कड़ पे इसकी ऑफिस होनी चाहिए, होम डिलीवरी सिम मिलना चाहिए, अच्छी सर्विस होनी चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, तब जाके BSNL शायद यहाँ पे बजे। अदरवाइज BSNL की हालत फिलहाल दोस्तों खराब है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि BSNL इतना सारा कर्ज होने के बावजूद भी धीरे धीरे एक डूबता हुआ जहाज बनता जा रहा है। तो दोस्तों की सबसे बड़ी अपडेट जहां पे सरकार ने क्लियर कर दिया कि आने वाले 2 साल तक BSNL प्रॉफिट नहीं आना, 10,000 करोड़ बचा रहा है साल का, उसके बावजूद 2 साल तक तो कहीं कुछ ही अता पता लापता इनकम नहीं होगी। उसके साथ साथ BSNL MTNL का मर्जर भी फिलहाल दोस्तों खटाई में बढ़ता नजर आ रहा। हो सकता है MTNL को शट डाउन कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी पूरे भारत में, वो BSNL, और वही कब तक होगी भगवान जाने। मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है BSNL के साथ क्या करना चाहिए, ऐसा तो क्या करना चाहिए सरकार को जिससे BSNL इन कंपनियों की टक्कर में, जियो एयरटेल VI की टक्कर में आ जाए, फिर से प्रॉफिट करने लग जाए। आपके जितने भी सुझाव हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें लिखने चला गया पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिए घंटी बटन, उसको जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूल बिना इस घंटी बटन को जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।